जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट में अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने अंत्योदय कार्ड धारकों के उन्मूलन के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर लाभार्थियों के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को एक पोर्टल तैयार करने के लिए निर्देश दिए। अंत्योदय लाभार्थी उन्मूलन की बैठक में जिलाधिकारी ने अंत्योदय कार्ड धारकों की आर्थिक स्थिति, उनके बच्चों की शिक्षा, लाभार्थियों के लिए योजनाओं की धरातल पर प्रगति की वास्तविक स्थिति जानने हेतु एक हाइब्रिड पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में केवल 2 विकास खंडों में तैयार पोर्टल को प्रयोग में लाया जाएगा। अगर प्रयोग सफल होता है तो इसे सभी विकास खंडों में लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने DIO NIC को पोर्टल पर त्वरित गति से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पौड़ी से मुकेश वच्छेती की रिपोर्ट। हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वेरियस स्कीम्स हैं जिनके थ्रू हम लोगों ने बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन उसमें कई सारी जगह पे गैप भी रहते हैं। और जैसे अगर हमें उन्हें मनरेगा में 100 डेज का रोज़गार देना है, उज्ज्वला की गैस स्कीम से उन्हें सैचुरेट करना है, तो इस तरीके की सारी चीज़ों को एक ही प्लेट पर लाने के लिए MIS सिस्टम हम लोग डेवलप कर कोशिश करें। पायलट बेसिस पे हम 1 या 2 ब्लॉक को लेंगे, उसके बाद में अगर फीडबैक ठीक रहता है तो उसे प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जाएगा।